हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रीट विद चारू। टुडे आई एम गोइंग टू मेक बटरस्कॉच यमी कस्टर्ड। आई होप यू विल लाइक इट। इफ़ यू लाइक द रेसिपी देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्रीट विद चारू। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मिल्क 500 ml, शुगर 4 tablespoons, कैरमन as per your taste, custard powder 2 tablespoons, chopped fruits। अब एक पैन में आप दूध लीजिए, उसके बाद हम पाउडर कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बनाएंगे। गुनगुने दूध में हम कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बनाएंगे। उसे अच्छी तरह आपने हिलाते रहना है इसमें, ताकि कोई लम्स ना आए। अच्छे से देखिए, ऐसे ही इसे अच्छे तरह हिलाना है, कोई भी लम्स इसमें ना आए। इसके बाद दूध में इलायची पाउडर डालेंगे, फिर इसके बाद हम डालेंगे शुगर एज़ पर योर टेस्ट। इसे अच्छे से हम स्टिर करेंगे ताकि मिक्स हो जाए। इसके बाद हम अपना कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह हमने मिक्स करना है दूध में। अच्छे से इसे हिलाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये थिक हो गया है। अच्छी तरह इसकी थिकनेस आपको दिख रही होगी इसमें। अब इसे एक बर्तन में डालेंगे। ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे हम। इसके बाद हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसमें मैंने सब फ्रूट्स डाले हैं। आपने अपने हिसाब से जो आपको फ्रूट लाइक हो, आप वही फ्रूट्स डाल सकते हैं, क्योंकि फ्रूट काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स हो कर देंगे हम। इसके बाद हम इसे चेरीज से डेकोरेट करेंगे। अब मैं इसे गार्निश करूँगी चेरीज से। रेड चेरीज़ बच्चों को बहुत लाइक होती है, इसलिए मैंने रेड चेरीज़ और ग्रीन चेरीज़ का यूज़ किया है इसमें, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत अच्छे से इसे खाएंगे और ये काफ़ी हेल्दी है दोस्तों। आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको मेरा, इसके बाद हम इसे 2 hours के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। ठंडा होने के बाद आप देखिए कि इसे खाने में आपको इतना अच्छा लगेगा। आप, मुझे आशा है कि आप इसे एंजॉय करें।